Assalamualaikum, I am Dr. Smart और आप देख रहे हैं UAP Vlogs। मेरा पिछला प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको बताया था किस तरह हम अपनी इम्यूनिटी को बेस्ट बनाएं। अगर हमारी इम्यूनिटी बेस्ट होगी तो हम अपनी इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा देंगे, डिजीज से प्रोटेक्ट रहेंगे। मैंने बताया था कौन ज़्यादा रिस्क प्रेगनेंट वुमेंस के बारे में भी आपको डिस्कस किया था और कहा था अगर अपनी इम्यूनिटी पर हम वर्क करेंगे, इम्यूनिटी को अपने बेस्ट से बेस्ट करेंगे तो हम बहुत जल्दी बीमारियों से ही बचे रहेंगे और अगर हमें बीमारी हो भी गई तो उसे जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी इम्यूनिटी पे कैसे वर्क करें, कौन से फूड्स को इस्तेमाल करें, कौन से मेजर्स अपनाएं। तो आज मैं आपको 5 चीपेस्ट फूड्स या इंग्रेडिएंट्स कह लें आपको बताना चाहता हूँ, जो अगर आप अपनी डेली इंटेक रखेंगे या डेली लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो आप अपने इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, 10 times अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज गार्लिक, जिसको लहसुन कहते हैं। उसके अंदर एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी फंगल होती हैं जो फंगस को किल करती हैं, एंटी बैक्टीरियल बैक्टीरिया को, एंटी वायरल जो वायरस होता है, मुख्तलिफ वायरस फैले हुए हैं आजकल जो भी। तो अगर हम गार्लिक को डेली इंटेक रखेंगे, वैसे ही हमारे खानों में इस्तेमाल होता है, बहुत सी चटनियों में, खानों में गार्लिक को इस्तेमाल किया जाता है। तो गार्लिक एक मेन चीज़ है जो बहुत सी प्रॉपर्टीज रखती है और अगर हम इसको अपना हिस्सा बनाएंगे तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज हनी, वाओ आई लाइक हनी। हनी इज शहद अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न माजा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महीने में जो 3 दिन सुबह के वक्त शहद को चाट ले तो हर तरह की बलाओ अमराज से महफूज रहेगा। शहद में बहुत शिफा है। शहद को पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं, जो जैसे फूड ब्रेकडाउन से या किसी स्मोक या किसी भी तरीके हमारे बॉडी में एंटर होते हैं या मौजूद होते हैं, उन सब को किल करते हैं। तो ये पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसको कहा जाता है, ये शहद होता है। शहद के अलावा तीसरी चीज़ हमारे पास है टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी तो कॉमनली यूज होती है, जब कमर को चोट लगती है तो मम्मी कहती है जाओ बेटा हल्दी वाला दूध लेके आओ, हल्दी वाला दूध पिलाओ बच्चे को, चोट सही होगी। तो वह हीलिंग वाउंड्स के लिए यूज़ होता है। उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेस्ट करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। और हल्दी सबसे ज़्यादा मुफीद चीज़ है। उसके अंदर इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं उनको वो करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बेस्ट से बेस्ट करती हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ है जिंजर यानी अदरक। मुझे तो खैर बिल्कुल भी जिंजर पसंद नहीं है, बिल्कुल आई हेट अदरक, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं, खानों में डलते हैं। और जिंजर के शॉट्स, जिंजर के जूसेस अगर हम पियेंगे तो बहुत सी बीमारियों से हम महफूज रहेंगे। सुबह के वक्त जिंजर शॉट्स लें तो बहुत सी अमराज बीमारियों से, कफ फ्लू, बहुत सी चीज़ों से हम महफूज रह सकते हैं। फिफ्थ थिंग बट नॉट द लीस्ट इज ब्लैक सीड। कलौंजी भी शिफा है। शहद की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस काले दाने में साम के अलावा, साम यानी मौत मीन्स डेथ के अलावा हर तरह की बीमारी का इलाज है इस छोटे से दाने, काले दाने में। तो कलौंजी बहुत ज़्यादा शिफा है। इसको मेमोरी इन्हेंसर भी कहते हैं, हमारी मेमोरी को एनहेंस करती है। इसमें कैंसर का, बहुत सी बीमारियों का भी इलाज है। अगर हम शहद के साथ थोड़ी सी कलौंजी रोज़ खाएंगे, सुबह के बाद डेली इंटेक करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी 10 times बूस्ट हो जाएगी। तो ये 5 चीपेस्ट फूड्स मैंने आपसे शेयर किए जो अगर अपनी डेली बेसिस में या डेली लाइफ में, मतलब किसी तरह भी आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स को अपने फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली ना कर सकें तो वीक बाय वीक, मतलब कर सकते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बेस्ट हो सकती है। और हर तरह की बीमारियां जो फैली हुई हैं जिनके इलाज नहीं है, अगर आप कलौंजी शहद लेंगे तो अल्लाह ताला शिफा नाज़िल फरमाएगा और आप हर तरह के अमराज से महफूज रह सकेंगे। ठीक है, ये बात तो हदीस से भी साबित है। सो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कुछ मेजर्स भी हैं जो हम अपने यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ये तो फूड्स मैंने आपको 5 चीपर्स बता दिए, तो कोई मेजर्स जो हम यूज़ करें, कहते हैं कि एक्सरसाइज की जाए, डेली एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो कब की जाए और किस वक्त की जाए, ये नहीं कि रात के वक्त भी कर रहे हैं सुबह का। अगर हम मॉर्निंग एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज मॉर्निंग की होती है, सुबह के वक्त योगा करें, मॉर्निंग एक्सरसाइज करें। योगा बॉडी के लिए बेस्ट है, जिसे कहते हैं बेस्ट योगा मॉर्निंग बॉडी के लिए बेस्ट है। हमारी इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाता है, इम्यूनिटी हमारी अच्छी करता है। सुबह सुबह हम फुल एनर्जाइज होते हैं, हम जाकर जॉगिंग पर जाएं, वॉकिंग करें तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता है।
दूसरी थिंग, अगर हम शुगर्स लिमिट एडेड शुगर्स, अगर हम कोल्ड ड्रिंक खत्म कर देंगे पीना, जिस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स जो हम जो बहुत ज़्यादा आजकल के लोग इंटेक करते हैं, मैं खुद एनर्जी ड्रिंक का शौकीन हूँ लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं पीता, बहुत ज़्यादा कम पीता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे डॉक्टर हूँ तो मुझे अकल ऐसी थी कि इतनी ज़्यादा लिमिट करनी नहीं चाहिए, हमारे इम्यून सिस्टम पर असर पड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा कैफीन होती है, थायरोमीन होती है बहुत ज़्यादा इंटेक के अंदर। आप बाकी चीज़ें पिए, जूसेस लें, ग्रीन टी लें, जो हमारे इम्यूनिटी को बेहतर बना सकती हैं, ये नहीं कि आप एनर्जी ड्रिंक्स में लगे हुए, पेप्सी में लगे हुए हैं, तो आप इन सबको बनाने के लिए कुछ मेजर्स उठाने पड़ते हैं। योगा करें, एक्सरसाइज करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट नॉट द लीस्ट थिंग, स्लीप। आहा, नींद सबसे चीज़ अच्छी ज़रूरी इंसान की बॉडी के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए स्लीप है। अगर आप स्लीप करेंगे आपके मसल्स को भी वो मिलती है ग्रोथ, अगर आप सुबह में वर्कआउट कर रहे हैं और आपने बहुत अच्छी स्लीप ली तो आपके मसल्स भी ग्रो करेंगे, बहुत फ़ायदा आपको होगा। 8 आवर्स की स्लीप एक एडल्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 8 आवर्स तक आप सोएंगे तो आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, आपके मसल्स ग्रो होंगे, आपकी इम्यूनिटी पर वर्क होगा, आप बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने 6 आवर्स से ज़्यादा कम स्लीप ली, 6 आवर्स से कम सोए, 5 घंटे मुड़ गए, 4 घंटे मुड़ गए, तो आप बहुत से बीमारियों में मुबतला हो सकते हैं, बहुत से कोल्ड, फ्लू और मुख्तलिफ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कम देगी। तो प्लीज़ 6 आवर्स से कम स्लीप मत कीजिए। जो लोग काम में बिजी होते हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी नींद पर फोकस करें। पढ़ें लिखें सब कुछ करें, काम भी करें, लेकिन अपनी नींद पर फोकस करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नींद। और छोटे बच्चे जो यूनिट्स होते हैं उनको 12 आवर्स की स्लीप लाजिम होती है, 12 आवर्स तक उनको सोना चाहिए, अगर वो नहीं लेंगे उनके सेहत पर असर पड़ता है। तो ये कुछ मेजर्स थे और कुछ 5 फूड्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सो मैंने आपको बता दिया। आज मैंने मास्क भी नहीं पहना, ना मैंने कुछ पहना जो कि अपने होम में बैठा हूँ, ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये कुछ 5 फूड्स थे और जो कुछ मेजर्स थे मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह अगर आप इनको डेली इंटेक करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बनेगी, आपकी इम्यूनिटी पर वर्क होगा और आप अपने इम्यून सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं, इस पर वर्क कर सकते हैं। अगर आप इन 5 फूड्स को अपने डेली इंटेक का हिस्सा बनाएं, जो नॉर्मली फ्रेश वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, मीट लें, फिश लें, इन सबको साथ साथ अब इनको भी अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेस्ट से बेस्ट होनी चली जाएगी और कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती। और अगर छू भी गई तो आप छू से रिकवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।